Friends, today's topic is 15th Forest Report 2017, multiple choice questions, part 1. Friends, we have seen the information on 15th Forest Report 2017. Complete information, we have completed part 1 and part 2 on the complete information on 15th Forest Report 2017. Abhi time hai multiple choice questions. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, तो फिर इसके भी दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑन दी 15th फॉरेस्ट रिपोर्ट. सो प्लीज़ गो थरोली एंड टेक एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली, गिव अटेंशन टू एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली. सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? सो आर यू रेडी फ्रेंड्स? Yes, the first question is India's State Forest Report, publication of Forest Survey of India. It's annual, biannual, bicentennial, after every 5 years, after every 10 years. Yes, what is the answer? I have explained you each and every point. आपने 15th फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 का वीडियो अच्छे से, दोनों वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बराबर राइट आएगा. यस, जिसने देखा है वो राइट आंसर दे रहे हैं, बायानियल. इट्स द राइट आंसर इज द बायानियल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिपोर्ट्स वेयर पब्लिश बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड व्हेन इट वॉज स्टार्टेड. 2017 की रिपोर्ट जो है वो कौन से नंबर की रिपोर्ट है? And first, when it was launched, when it was started? Yes, the right answer is, it is the 15th report and it was started in 1987. This is the right answer. एक बार हम overlook points पे overlook कर लेते हैं जो कि हमने देखे थे. It was the 15th forest report 2017. It's a biannual publication. And it is conducted under the Ministry of Environment and Forest Climate Change, Government of India. It was firstly started in 1987 and this is the 15th report. So, आपको ये point अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर कौन सा भी question आ सकता है. Yes? अभी next, यहाँ पे मैंने ये map बताया था आपको, ये North Eastern States है जहाँ पे forest cover area decrease हुआ है. यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में स्टेट्स है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है. यस, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 8,02,088 स्क्वायर किलोमीटर. यस, इट इज द 2017 रिपोर्ट. यस, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये ग्राफ जो है आपको अच्छे से याद रखना चाहिए. यस, तो मैंने आपको लास्ट में भी पीछे भी बताया था और अभी एक बार फिर से रिपीट बता रही हूँ. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Find out the correct sentence on the basis of Forest Report 2017. First point, India ranked 5th in the world in relation to forest cover. Second is in India, 21.4% of the land area under forest and tree cover. According to a national forest policy 1968, there should be a 33% of the land area under forest cover. इसमें से कौन सा first है, second, कौन सा correct है और कौन सा wrong है, इसमें से ये point निकालना है आपको. ये इंडिया का 5th rank है क्या forest cover में? मैंने बताया था आपको अच्छे से, इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो एरिया है वो 21.4% है क्या, कितना है तो राइट है, तो फिर सेकंड वाला राइट बोलो. कौन सा मतलब आंसर, व्हाट इज द आंसर? यस, आंसर व्हाट इज द आंसर, ऑल आर रॉन्ग. तो फिर सही क्या है, याद आता है या कुछ जो पढ़ाया था वो? यस, द पोजिशन ऑफ इंडिया, इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन में क्या था, 15th है क्या? नहीं है. यस, इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड एंड टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया कितना है? 24.4. क्वेश्चन में क्या दिया था? 21.4, तो फिर गलत है ना. यस, एंड आपने क्या किया, 33% बोला, अरे ये तो बराबर है, इसको टिक मार दिया. लेकिन वहाँ पे क्या था, 1968 था क्वेश्चन में,
ये आपको अच्छे से याद रखना है, फिर बाद में बोलना नहीं है मैम हमने तो पूरे राइट किए थे फिर गलत मेरा स्कोर कम कैसे आ गया। यस, तो आपको ये सब चीजें छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। तो फिर ये 10th इन द वर्ल्ड, 24.4% ऑफ द लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, 1968 नहीं है। तो एंड उसके हिसाब से 33% ऑफ द लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। यस, द नेक्स्ट इज रशिया का फर्स्ट नंबर है एंड इंडिया का 10th नंबर है, ये भी आपको अच्छे से, ये दो ही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2015 के हिसाब से, 2015 के रिपोर्ट से कंपेयर किया तो 2017 का फॉरेस्ट रिपोर्ट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। यस, द राइट आंसर इज 1%। 1% कैसे, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, टोटल कितना इंक्रीज हुआ है 2015 से लेके 2017 रिपोर्ट तक, मतलब एक ही रिपोर्ट बायानियल 2 साल के बाद कितना इंक्रीज हुआ है, 8021। वो अलग बात है, मतलब 585 डिस्ट्रिक्ट लास्ट टाइम लिए थे, अभी 6